हेलो गाइस, वेलकम टू मोटो मंत्रा मंत्रा फॉर योर मोटो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्टैग से रिलेटेड कुछ सावधानियों के बारे में। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने फास्टैग यूज, प्रॉफिट्स और कुछ टेक्निकल इश्यूज के बारे में बात की थी, तो यदि वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वरना आई कार्ड लिंक आ रहा होगा ऊपर की तरफ, वहाँ जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो यदि आप नहीं देखते हैं और ये सावधानियाँ नहीं बरतते हैं तो जहाँ पर आप टोल पर फ्री जा रहे होंगे वहाँ पर आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है। तो ऐसे में इससे बचने के लिए आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है और आपको फील भी हो रही होगी सर्दी, तो आपने सोचा है कि इस नए साल के अंदर हम कहीं घूमने जाएं। आप घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन आप ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आप फास्टैग जरूर लगवा लें। 15 जनवरी के बाद में फास्टैग लगवाना अनिवार्य है, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उन लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा जहां पर सिर्फ एक कैश पेमेंट की लाइन होगी और वहां पर आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है। तो इन सब से बचने के लिए मेरी आपसे अपील है कि आप फास्टैग जरूर लगवा लें। लेकिन अब आपने फास्टैग लगवा लिया है तो इनसे कुछ सावधानियों के बारे में भी आप जरूर सुन लें। सबसे पहले हम आपके सावधानी और आपके फायदे की बात कर लेते हैं। जब भी आप टोल प्लाजा के ऊपर फास्टैग वाली लाइन के अंदर जा रहे हैं तो यदि वहां का फास्टैग स्कैनर खराब हो रहा है किसी भी वजह से, तो उस केस के अंदर आपको फ्री में टोल पास दिया जाएगा, यानी वहां पर आपको जीरो अमाउंट की स्लिप देनी होगी और आप फ्री में उस टोल बूथ से जा सकते हैं। अगली जो सावधानी है वो आपको जरूर बरतना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं बरतेंगे तो इस केस के अंदर आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है। वो ये सावधानी ये है कि जब भी आप किसी टोल लाइन में जा रहे हैं और फास्टैग वाली लाइन के अंदर जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर यदि आपसे कोई आगे गाड़ी चल रही है तो हमेशा आप उससे 4 मीटर की डिस्टेंस जरूर बना के रखें, क्योंकि आप ये डिस्टेंस बना के नहीं रखते हैं और बाय चांस आगे वाले का जो फास्टैग है वो काम नहीं कर रहा है, तो उस केस के अंदर आपका फास्टैग काम कर गया तो उसके लिए पास मिल जाएगा और आपको पास नहीं मिल पाएगा, और इस केस के अंदर आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आप सतर्क रहें कि आपको 4 मीटर का गैप हमेशा की हमेशा बना के रखना है। जब भी आप अपना फास्टैग लगवा रहे हैं तो आप अपने मिरर के अंदर की तरफ लगवाएं, यानी जो आपकी विंडशील्ड होती है उसके एकदम सेंटर में लगवाना है, जहां पर आपका रियर व्यू मिरर होता है उसके जस्ट पीछे की तरफ और अंदर की तरफ लगवाना है, ना कि कॉर्नर पे, ना इस साइड ना उस साइड, एकदम बीच में, जिससे कि आपका जो फास्टैग है वो प्रॉपर स्कैन हो पाए। अगली जो सावधानी है वो आपकी 2 कारों के लिए। यदि आपके पास 2 कार है और आपने सोचा कि मैं अपनी पहली कार से उतार के दूसरी कार पे फास्टैग लगा लेता हूं, और आप ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो इस केस के अंदर यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका फास्टैग खराब हो सकता है। और यदि आपका फास्टैग खराब हुआ वो आप ले गए और आप टोल बूथ के ऊपर ले गए और वहां पे स्कैन नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर आपको डबल टोल देना पड़ सकता है। आप ये भी बिल्कुल नहीं करें कि आप उसको टेप से चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर की तरफ से, आप ऐसा भी उसको नहीं कर सकते हैं। यदि आप टोल बूथ से 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर रहते हैं, यह आप जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपके जो फास्टैग है उसके अंदर आपका एड्रेस है वो जरूर अपडेटेड रहे। एक बार आप फास्टैग जो है टोल बूथ पे लेके जाइए, वहां पर अपडेट करवाइए, और आप यदि आप 10 किलोमीटर के अंदर रहते हैं तो आप अपने आप से फ्री के अंदर वहां से जा सकते हैं बिना कुछ टोल दिए हुए। अगली जो सावधानी है उन चोरों के लिए है जो कार चोरी करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, यदि आप कार चोरी करते हैं तो आपका जो फास्टैग है वो आपकी लोकेशन भी रिवील कर सकता है, तो कार जब भी चोरी करें तो सावधानी से करें। यदि आप अपनी कार बेच रहे हैं और यदि आपकी कार पे फास्टैग लगा हुआ है, तो आप ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका जो कार का जो फास्टैग है वो आपके जो अकाउंट से लिंक था उसको डीलिंक करवा लें। यदि आपको किसी भी तरीके की फास्टैग की प्रॉब्लम होती है और फास्टैग के लिए कोई काम नहीं कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं। अब बात रही फास्टैग से जुड़ी कुछ परेशानियों के बारे में जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, और टेक्नोलॉजी कभी भी धोखा किसी को भी दे सकती है, तो ऐसे में यदि खराब हो जाती है तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करें। छोटी मोटी परेशानी हर चीज में आती रहती है। सरकार के इस कदम का हमें जरूर से सम्मान करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस चीज को फॉलो भी करें। तो मेरी आपसे अपील है कि आप जो फास्टैग नहीं लगवा पाए हैं तो आप जरूर लगवा लें, क्योंकि 15 जनवरी के बाद में अनिवार्य हो जाएगा कि आप फास्टैग वाली लाइन से ही गुजरे, नहीं तो आपको देना पड़ सकता है डबल टोल टैक्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वीडियो पसंद आई है तो करना कुछ नहीं है, आपके अंगूठे का यूज़ करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई एम सुखिल विद सुरेश, पीस आउट।